आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ बटर मसाला और उसके साथ हम बनाएंगे बटर नान। एकदम इजी मेथड से हम बटर नान बनाएंगे, बिना तंदूर के बनाएंगे। तो कैसे बनते हैं ये नान और चीज़ बटर मसाला, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एक बार इस तरह से आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई ली है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला है, और ये ऑयल सरसों का नहीं है, फ्रेग्रेंस बिना फ्रेग्रेंस वाला है। और इसके अंदर हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 जो ग्रीन इलायची आती है वो डाली है, और 1 काली इलायची आती है यानी कि मसाला इलायची वो डाली है, और 1 तेज़पत्ता डाला है, और 4-5 काजू के टुकड़े डाले, और 2 बड़े चम्मच जो मगजतरी के बीज आते हैं वो डाले हैं, और 9 से 10 जो लहसुन की कलियाँ होती है वो डाली है, और थोड़ा सा छोटा सा 2 टुकड़े मैंने डाले हैं जिंजर के। उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े जो ग्रीन चिलीज आते हैं वो डाले हैं, ये मीडियम स्पाइसी है तो वो वाले मैंने डाले हैं। उसके बाद 2 बड़े बिग साइज़ के आप ले लीजिए अनियन ले लीजिए, और उसके साथ 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी डाल दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपके टमाटर बहुत खट्टे नहीं होने चाहिए। इन सबको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे, यानी कि ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे ढक्कन ढकने के बाद हम इसे पकाएंगे। तो इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक हमें पकाना है, और वो भी एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। तो देख सकते हो एकदम सॉफ्ट अनियन और टोमेटोज हो चुके हैं। तो उसके बाद जो खड़े मसाले थे उसमें से मैंने बड़ी वाली इलायची, मसाला इलायची को निकाल लिया है, और तेज पत्ता को भी मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा मैंने रहने दिया है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो बड़ी इलायची है उसका एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है। उसके बाद एकदम ठंडा हो जाए तो हम इसे मिक्सी जार में डाल के एकदम फाइन प्यूरी बना लेंगे। एकदम हमें इसे फाइन प्यूरी बनानी है, इससे क्या होगा कि जो हमारी सब्जी की ग्रेवी है एकदम क्रीमी बनेगी। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, और उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर बटर डाला है। यहाँ पे तेल इसलिए डाला है क्योंकि अकेला बटर हम डालेंगे तो वो बटर जल जाएगा। बस बटर और ये तेल गरम हो जाए, उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे ज़ीरा डाला है, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे हींग डाला है, और इन सबको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब हम इसमें जो प्यूरी हमने तैयार की थी वो डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस प्यूरी को हमें अच्छी तरह से पकाना है। जब आपके ये सब्ज़ी में ये जो प्यूरी है वो अच्छी तरह से पकेगी तो ही आपकी सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। तो आप इसे ढक्कन ढकने के बाद इसे करीबन 10 मिनट तक एकदम बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसे पकाइए, जब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा सा तेल या बटर जो है वो निकलना शुरू ना हो जाए। ये अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो इसका टेस्ट सब्ज़ी में अच्छा नहीं आता है। ये मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो उसके बाद मैंने जो मिक्सी जार में हमने पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है, ये काश्मीरी पाउडर है, और उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाली है, और उसके बाद 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 1 कप मैंने पानी डाला है, और अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, और ढक्कन ढकने के बाद हम इसे फिर से 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएँगे पानी के साथ। ये इस सब्ज़ी में ग्रेवी पकाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वैसे तो हर एक पंजाबी सब्जी में ग्रेवी अच्छी तरह से पकनी चाहिए, और ये मसाले अच्छी तरह से भुनेंगे तो ही आपकी सब्ज़ी का एकदम अच्छा सा टेस्ट आएगा। देख सकते हो आप, हमारी ग्रेवी है अच्छी तरह से पक चुकी है। 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे शुगर डाला है, 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी आती है वो डाली है, और 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाला है। उसके बाद मेन जो है हमारा चीज़, उसको मैंने क्यूब कर लिए है, और ये 150 ग्राम चीज़ है,
जो मैंने इसमें डाला है। इसके बाद अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और इन सब प्रोसेस में हम गैस की आंच मीडियम रखेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद ये हमारी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे और एक चम्मच यहाँ पे घर की फ्रेश मलाई मैंने ली है। आप मार्केट में जो फ्रेश मलाई आती है वो भी इसमें डाल सकते हो। इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए और हमारी ये जो चीज़ बटर मसाला सब्जी है बिल्कुल रेडी है। एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका और खाने में तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थी। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करना घर पे, बहुत ही अच्छी बनेगी और आपके घर में सबको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बटर नान। और ये बटर नान हम बिना तंदूर के बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनती है बटर नान। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप मैदा लिया है और ये मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर है। इसके अंदर 1/4 कप कर्ड डाला है और ये कर्ड यानी कि दही एकदम खट्टा भी नहीं है और थोड़ा सा फीका भी नहीं है। इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और 1/2 छोटी चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाला है और 2 बड़ी चम्मच यहाँ पे तेल डाला है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, उसके बाद हमें एकदम सॉफ्ट वाला आटा इसे गूंथना है। हम जो रोटी का आटा बनाते हैं इस तरह का हमें ये आटा गूंथना है। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। करीबन इसमें 1 कप या 1.25 कप के पर पानी जाता है, तो उस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटा गूंथते जाइए। देख सकते हो आप किस तरह से मैं मसल रही हूँ। अच्छी तरह से मसलेंगे तो आपकी नान एकदम बढ़िया सी बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनेगी। नान बनाने के लिए हमें कोई भी रॉकेट साइंस का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से जो रोटी का आटा हम गूंथते हैं उस तरह से हमें ये आटा भी गूंथना है और इसी तरह से ही हमें इतना सॉफ्ट रखना है। और कुछ भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हमारी नान अच्छी नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, बहुत अच्छी तरह से बनेगी। अगर आप इस तरह से मैंने बताया वीडियो में बनाएंगे तो अच्छी ही बनेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे सूखा आटा मैंने ले लिया है, सूखा मैदा मैंने ले लिया है यहाँ पे और देख सकते हो आटा भी हमारा रेडी है। बस इसी तरह से हमें इतना सॉफ्ट आटा यहाँ पे रखना है। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसे हम रेस्ट देंगे 20 से 25 मिनट तक। आप इसे छोड़ दीजिए तो आटा भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। 20 मिनट के बाद यहाँ पे हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए आटे को मसल लेंगे। उसके बाद इसमें से हम मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे नान को बेलेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सूखा मैदा ज़रूर पड़ेगा, तो सूखे मैदे को मैंने इस तरह से डस्ट कर लिया है और उसके ऊपर पेड़ा रख के हम इसे बेलेंगे। तो आप यहाँ पे राउंड शेप भी दे सकते हो, लेकिन हम जब रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसका शेप ओवल शेप होता है, इसी वजह से हम यहाँ पे ओवल शेप में इसे बेलेंगे। और आप देख सकते हो आटा कैसे खींचा जा रहा है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ये डो है वो बना है। तो ओवल शेप आप दे दीजिए इसे। बेलने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे तवे पे रखेंगे तो ये पूरा पूरी की तरह फूलेगा नहीं, इसकी वजह से हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हरा धनिया है उसको बारीक यहाँ पे चॉप कर लिया है, उसके ऊपर
डाल दिया है, उसके बाद उसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे यानी कि धनिया इसके ऊपर चिपक जाएगा। फिर इस नान को हम पलट देंगे और उसके ऊपर हम अच्छी तरह से पानी लगाएंगे। पानी के किनारे में, बीच में, हर एक जगह पे लगाना है, वरना आप जब नान सेकोगे तब तो आपकी नान तवा में से नीचे छूट सकती है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पानी अप्लाई करना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जो तवा था, ये आयरन का तवा है, इसे गर्म कर लिया है। और जो हमने पानी लगाया था वो भाग हम नीचे रखेंगे बस इसी तरह से, और हम इसे टच नहीं करेंगे उसके बाद। और आप धीरे धीरे देख सकते हो कि इसमें बबल्स देख सकते हो आप ऊपर कि किस तरह से आ रहे हैं। अगर आप जब बेलने के टाइम इसे प्रेस नहीं करोगे तो ये नान पूरी रोटी की तरह फूल जाती है। बस यही वजह है कि हमें उस टाइम इसे प्रेस करना होता है। तो मीडियम आंच पे हम इसे सेकेंगे और इस तरह से जब बबल आ जाए ऊपर, ये फूल जाए थोड़ी, तो हम तवा पलट लेंगे और डायरेक्ट इसे हम गैस पे इस तरह से सेक लेंगे। अच्छी तरह से हर एक कोने में जाके आप इसे सेक लो। बस इसी तरीके से नान रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल घर पे बन जाती है। अगर आपको गार्लिक बटर नान बनाना हो तो आप यहाँ पे जब हमने धनिया लगाया था उस टाइम आप इसमें गार्लिक भी लगा सकते हो। गार्लिक को आप एकदम क्रश कर लीजिए और उसके ऊपर चिपका दीजिए, उसके बाद आप सीखोगे तो वो गार्लिक नान बन जाएगा। इसी तरह से भी गार्लिक नान बनती है। तो बस हमारी ये नान सीख चुकी है बिना तंदूर के। देख सकते हो कितना बढ़िया सा नीचे से भी सिका है और कलर भी अच्छा आया है। तो बस हम इसे तवे में से उतार लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे हम बटर, बहुत ज़्यादा बटर लगाएंगे। नान बटर नान है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप बटर लगाइए और आपकी ये नान बहुत अच्छी बनेगी। ट्रस्ट मी गाइस, आप एक बार इसे ज़रूर घर पे बनाना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। और ये चीज़ बटर मसाला और ये बटर नान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ज़रूर एक बार इसे ट्राई करना। और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।